के हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को बताएंगे बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन हल करना आ जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हाई स्कूल वाले जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक दे दिया है -7.1 और -3.4। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम दूरी का फार्मूला बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं दूरी का सूत्र, जिससे आप लोग को याद हो जाए और आप लोग इसको हल कर सकें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिया है आपको, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, इस पॉइंट पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसका निर्देशांक कितना दिया है -7.1। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया है -3.4। ठीक, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, दूरी का फार्मूला क्या होता है d यानी दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी का सूत्र है। ठीक है, x2 कितना है -3 और x1 कितना है -7, तो -3 और -, कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर -7 दिया है, x1 -7 है। ठीक है, अब इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2 कितना दिया है 4 दिया है माइनस y1 कितना दिया है 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ये किसमें है पूरा अंडर रूट में। ठीक है, तो -3 -- प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से एक निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से एक निकालेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 में से 4 निकाल 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16 - 9 = 25, और इसका हम निकाल देंगे 25 का वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 5, इसका यूनिट जो हम लिखते हैं मात्रक। ठीक है, 5 मात्रक, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे, आपको दूरी ज्ञात करना आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दो बिंदुओं दिया रहेगा उसको आपको इस फार्मूले पे पुट कर देना है, बस उसको हल करना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशांक 2.3 और 4.1 है। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, आपको इसी का दूरी ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक कितना दिया है 2.3 और इसका कितना दिया है 4.1, इसको मान लीजिए पॉइंट ए और इसको मान लीजिए पॉइंट बी। ठीक है, इसको हम मानते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ये जो कहा है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, जैसे अभी इसके प्रश्न में क्या था, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो इसके बीच की दूरी कितना आया यहां से यहां तक 5, कितना आया 5। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट में, आप x1 पहले कर सकते हैं या फिर x2 बाद में ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x2 को माइनस में x1 प्लस में, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, x1 कितना दिया है 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है 3, तो 3 - y2 कितना
एक का होल स्क्वायर अंडर रूट में d इक्वल टू, ठीक है, तो माइनस चार में से हम दो निकालेंगे तो आएगा माइनस दो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और तीन में से एक निकालेंगे कितना आएगा दो का स्क्वायर, ठीक है, तो d इक्वल टू माइनस दो का स्क्वायर कितना चार, फिर प्लस, और दो का स्क्वायर कितना चार, ठीक, तो चार और चार कितना हो जाएगा आठ, ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल कितना आएगा दो गुड़े दो गुड़े दो, ये रहेगा, तो दो का जोड़ा बन रहा है तो दो बाहर और अंडर रूट टू, तो इसका दूरी आया टू अंडर रूट टू, क्या लिखेंगे आप मात्रक, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये दूरी निकालने आ गया होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं माइनस एक कामा तीन तथा पांच कामा दो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये बना दीजिए, पॉइंट कितना दिया है ए पर माइनस एक कामा तीन, ठीक है, और यहाँ कितना दिया है पांच कामा दो, इसको ए इसको पी, ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाइए, d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x2 कितना है इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 पांच माइनस एक है, यहां भी माइनस है, ठीक है, ऐसे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दो माइनस y1 तीन, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस तीन में से दो निकालेंगे कितना आ जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा, तो पांच और एक कितना छह का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा छह का स्क्वायर छत्तीस प्लस माइनस एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, छत्तीस और एक कितना सैंतीस अंडर रूट में, ये मात्रक, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे मात्रक इसको, नहीं तो आपका आंसर पूरा तरीके से सही नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके बीच की दूरी कितना आया अंडर रूट 37 आया, ठीक है, तो आई होप आप लोग को बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको क्वेश्चन कहीं भी डाउट्स ना रह जाए, ठीक है, तो हाई स्कूल वाले ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, आप लोग इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।